कानपुर की खबर। बिकरू कान में इस्तेमाल 5 हथियार बरामद हुए हैं। विकास दुबे के गुर्गों ने बरामद कराए हैं हथियार। रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने बरामद कराए हैं हथियार और एक डबल बैरल गन है, इसमें एक राइफल है, 3 तमंचे बरामद हुए हैं। असलहों के साथ यहां पर 5 देसी बम और कारतूस भी बरामद हुए। 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया था रिमांड पर और धर्मेंद्र, शिवम दुबे, गोविंद सैनी और विष्णुपाल थे रिमांड पर। आरोपियों के निशानदेही पर अब भीटी गांव के पास मिले हैं असलहे। जी मीडिया संवाददाता कानपुर से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, यहां पर 5 हथियार बरामद हुए, यानी कि गुर्गों के जरिए अब ये छानबीन की जा रही है कि कहां कहां पर असलहा और बारूद छिपाकर रखा गया था, जिसके आधार पर अब ये बरामदगी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जिस हिसाब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में लगातार पुलिस को उन हथियारों की तलाश थी जो उस रात उस दुर्दांत अपराधी और उसके साथियों ने पुलिस पर गोली बरसाने के लिए इस्तेमाल किए थे। लगातार इस क्रम में पुलिस छापेमारी भी कर रही थी और कई हथियार बरामद भी हुए, लेकिन अब जब माती कोर्ट में सरेंडर करने वाले जो 4 आरोपी हैं इस पूरे मामले के, जिन्होंने पुलिस से बच के सरेंडर किया था, उनको पुलिस ने जब कल रिमांड पे 12 घंटे की रिमांड पे लिया, उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई तो कई ऐसे खुलासे हुए। उसके साथ ही जब पुलिस उनको घटनास्थल पे लेके गई, जहां पे उन्होंने हथियारों को छुपाने की बात कही थी बीटी गांव के पास में, वहां पे जब जो भारी संख्या में असलहे जो बरामद किए गए थे उस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए, वो बरामद हुए, जिसमें की एक राइफल है, एक बंदूक है, 3 तमंचे और भारी संख्या में कारतूस और एम्यूनेशन बरामद हुआ। और दूसरी चीज है कि 5 बम जो कि गोपाल सैनी और गोविंद सैनी, 2 मास्टरमाइंड बम बनाने वाले बताए जाते थे, जिनके लगातार ये चर्चे हो रहे थे कि इन्होंने ही बम बनाए और बम फेंके, तो साफ तौर पर उन्होंने अपनी जो है जो पुलिस का इंटेलिजेंस था उसने जब जानकारी करी तो ये भी बात सामने आई कि जो बम बनाने वाला मास्टरमाइंड था उसके द्वारा और भी कई ऐसी चीजें कबूली गई। और ये माना जा रहा है कि इस पूरी रिमांड के दौरान पुलिस को कई ऐसे और जानकारियां हासिल हुई हैं आरोपियों की तरफ से, जिससे कि जो फरार आरोपी हैं उनको पकड़ने में कहीं ना कहीं पुलिस को आसानी है। और दूसरी तरफ ये एक जिस तरीके से लगातार ये आरोपियों की तरफ से जो बातें सामने आ रही थी या जिस तरीके से बरामदगी असलहों की हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि जो भीटी गांव के पास में भागने के दौरान वहां पे आरोपियों के द्वारा बताया गया कि वहां पे असलहे छुपाए गए, जिसके बाद पुलिस वहां पे आरोपियों को लेके पहुंची और जब वहां पे खुदाई की जाती है तो एक पेड़ के नीचे से जो भारी मात्रा में इनके द्वारा दबाए गए असलहे वहां से पुलिस ने बरामद किए। फिलहाल माना यह जा रहा है कि और पूछताछ में मिले इनपुट्स के आधार पे जल्द ही पुलिस को और भी बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संकल्प। तो ये जानकारी हमें दी है जी मीडिया संवाददाता ने कि इस तरह से गुर्गों की निशानदेही पर ही जो है बरामद किए गए हथियार। पुलिस रिमांड पर है और अभी लगातार और भी खुलासे होने की उम्मीद है। जो भी इनपुट इनके जरिए मिल रहा है उसके आधार पर अब बरामदगी की जा रही है।